तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है प्रजापति गेमिंग चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें एक नई गन आ चुकी है, ठीक है। हम उसका फुल टेस्ट करेंगे कि भाई वह गन कैसी है, उसमें कौन कौन सा स्कोप लगता है, क्या क्या है। मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा उस गन के बारे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरा डिटेल से। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज यार, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की कमाल कमाल की वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं ट्रेनिंग मोड में आ चुका हूं, और अगर मैं यहां पे जाता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर एक गन आ चुकी है, ठीक है। उसका नाम है MP5K, और कुछ चाइनीज में लिखा हुआ मुझे नहीं पता, MP5K लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। एक और उठा लेता हूं, दो गन हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें एमओ की, तो अगर मैं इसके नजदीक में जाता हूं तो आप देख सकते हैं इसमें 9 mm का एमओ लगता है, ठीक है। उजी वाला, UMP9 वाला जो हम यूज करते हैं वही एमओ लगता है, ठीक है। और यह गन दिखने में काफी छोटी है, आप देख सकते हैं काफी छोटी है, स्कॉर्पियन की तरह काफी छोटी है, लेकिन जो इसका डैमेज है ना बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए मैं पहले फटाफट कुछ बुलेट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यार लेने दे भाई। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली मैं बहुत सारा बुलेट ले लिया। अब यहाँ से मैं 6X, 3X और 4X, 8X, 2X, ठीक है, सब कुछ ले लेता हूँ। आपको सब कुछ टेस्ट करके दिखाऊंगा। ओके चलो, हो गया, यह तो हो गया। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज हो चुकी है। अब दोस्तों, अगर मैं अटैचमेंट की बात करूं, तो अगर मैं इसके नजदीक में जाता हूं तो आप देख सकते हैं इसमें आपको चार अटैचमेंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से M4 में लगता है उसी तरह से इसमें चार अटैचमेंट लगता है। तो यहाँ से मैं ग्रिप ले लेता हूँ, ठीक है, हमारा फेवरेट है, तो मैं दोनों में ग्रिप लगा लेता हूँ। ओके, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे स्टोक, स्टोक मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दो अटैचमेंट कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं सप्रेसर भी आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन UMP9 वाला, ठीक है, SMG वाला सप्रेसर आप इसमें लगा सकती हैं। ओके, और बात आती है एक्सटेंडेड मैग की, तो आप यहाँ से एक्सटेंडेड मैग भी लगा सकते हैं। ओके, अगर हम रिलोड करें तो आप देख सकते हैं कि 40 बुलेट आ जाएगी इसमें, ठीक है, उजी की तरह 40 बुलेट आ जाएगी इसमें। तो हम रिलोड कर लेते हैं दोबारा इसको भी, चलो ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं जहां पे गाड़ियां सारी हैं, वहां पे थोड़ा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं कि जो ये गन है इसमें जो पावर है कितनी है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्कोप की, तो आप देख सकते हैं आप इसमें 6X से नीचे सारा स्कोप लगा सकती हैं, 6X, 4X, 2X, आप इसमें 8X नहीं लगा सकते, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि आप इसमें 8X छोड़ के सारा स्कोप लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम फायर की बात करें तो चलो हम इसको फायर करते देखते हैं। अरे यार, ये कौन बंदा परेशान कर रहा है भाई, चूतियागिरी करते हैं यार लोग इसमें आके। चलो, जो नई गाड़ी आई उस पर हम ट्राई करते देखते भाई पूरा 40 बुलेट फायर करने के बाद उसकी क्या हालत होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आवाज ज्यादा कर लेता हूँ। ओ भाई, 40 बुलेट में आप देख सकते हैं कि जो नई वाली गाड़ी आई थी 40 बुलेट में डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो नई ये आई है, बाइक आई है, इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिलोड कर लेता हूँ। ओ भाई, मतलब काफी जहर गन है यार, काफी खतरनाक गन होने वाली है। अब चलिए, दो गाड़ी तो टेस्ट हो चुकी है, अब हम टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। ओ भाई, कसम से काफी जहर गन है यार, 40 बुलेट में डिस्ट्रॉय। अगर आप डीपी से करेंगे तो भाई वहां पे आपको 47 बुलेट लग जाती है डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन यहाँ पे बाप रे बाप। ओ भाई, अभी तक हमने जितना भी गाड़ी टेस्ट किया सबकी सब 40 बुलेट में जल गई, ठीक है। तो मैं इसको भी जलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यह पहले से जली हुई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आएगी तो हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि अच्छा हम बग्गी पे पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है, बग्गी पे देखते हैं इसकी क्या हाल होने वाली है।
ओ भाई बग्गी तो काफी मजबूत निकली। ओ भाई बग्गी तो काफी मजबूत निकली यार। एक सौ बीस बुलेट डाल दिया लेकिन अभी भी बग्गी नहीं जली। क्या है भाई? ओ भाई मतलब बग्गी काफी मजबूत है। अब अगर हम जीप की बात करें, ठीक है, यूएजेट की बात करें, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं यार। ओ भाई 120 बुलेट इसमें भी डाल दिया मैं। ओ भाई तो फाइनली 200 बुलेट लग गया यार, 200 बुलेट लग गया यूएजेड को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है तो भाई इससे यह तो कंफर्म है कि भाई यूएजेड और जो बग्गी है आप इस गन से जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि 40 बुलेट में डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है अगर हम इसकी बात करें ओ भाई मतलब ये तो 80 समथिंग 70 या 80 बुलेट में जा रही है, तो यह काफी अच्छी गन होने वाली है अगर हम एक कैन जलाएं। ओ भाई मतलब काफी अच्छा काम कर रही यार ये गन। तो चलिए मेरा थोड़ा एमओ खत्म हो गया तो मैं एमओ थोड़ा ले लेता हूँ। ठीक है एमओ लेते फिर और टेस्ट थोड़ा सा करते हैं ये वाली बग्घी पे। ठीक है बग्घी बहुत प्रकार की होती हैं और देखते हैं ये वाली बग्घी में क्या है क्या नहीं है। चलो ठीक है फाइनली हमारे पास बहुत सारी बुलेट हो चुकी है। अब अगर हम इस बग्घी की बात करते हैं, ठीक है मैं जाके सामने से आपको दिखाता हूँ। अगर हम इस बग्घी की बात करते हैं तो चलो भाई सॉरी यार इसमें पूरा एमओ रिलोड नहीं था। ओ भाई मतलब यह बग्घी तो काफी मतलब वो निकली क्या बोलते हैं यार कमजोर। अब चलो हम देखते हैं यार इसका रिकॉइल कंट्रोल होता है कि नहीं होता। ठीक है अगर हम शिक्षक की बात करें ओ भाई इसका रिकॉइल तो काफी कंट्रोल हो रहा है यार। आप देख सकते हैं यह गन उतना नहीं हिल रही है लेकिन फिर भी हिल रही है लेकिन उतना नहीं हिल रही है। ठीक है अगर मैं आपको दिखा दूं अरे यार ये तो परेशान कर रहे हैं। ठीक है छोड़ो हम अच्छा एक बार और ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं मतलब इसका जो रिकवल है काफी कंट्रोल हो रहा है। चलिए हम इधर ट्राई करते हैं। ठीक है वहां पे तो लोग यार मतलब परेशान कर दे रहे हैं तो चलो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं यहाँ से। ठीक है यहाँ से हम ट्राई करते हैं तो अगर हम रेड डॉट की बात करें तो आप देख सकते हैं रेड डॉट तो मतलब काफी कमाल का है। और अगर मैं स्कोप की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार मैं पीसी प्लेयर हूँ। ठीक है मैं पीसी प्लेयर हूँ एमुलेटर प्लेयर हूँ मैं मोबाइल प्लेयर नहीं हूँ तो यहाँ पर मेरा थोड़ा हिल सकता है हाथ। ठीक है लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इसका रिकवेल है काफ़ी कंट्रोल हो रहा है। ठीक है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है ज़्यादा हिल नहीं रहा है मतलब जो इसका एम है परफेक्ट जा रहा है। ठीक है अगर हम 4x की बात करें नहीं अगर हम 6x को 3x बनाते हैं तब क्या होता है ज़रा देखते हैं। इसका जो रिकवल है और कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है ओ भाई आप देख सकते हैं मतलब काफी ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। यह 20 मीटर है अगर मैं लॉन्ग रेंज की बात करूं तो आप देख सकते हैं 70 मीटर पे मतलब 70 मीटर पर भी काफी कंट्रोल हो रहा है। अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करें 30 मीटर तो आप देख सकते हैं यार काफी जेयर होने वाली है गन मतलब काफी कमाल की मतलब बंदे के हेड पे सारा बुलेट डाल दो तुम। आप देख सकते हैं काफी कमाल की है।
अब चलिए हम इसमें 4x लगाते हैं, ओ भाई 4x से भी काफी कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यार, मैं एमुलेटर प्लेयर हूं, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। आप देख सकते हैं जो इसका एम है बहुत ही, मतलब ज्यादा हिल नहीं रही है, अगर बहुत ही सुटेबल रहेगी आपके हाथों में। अगर हम 3x की बात करें, 3x की बात करें तो चलो हम 3x से भी देख लेते हैं यार। तो आप देख सकते हैं मतलब काफी ज्यादा जो इसका रिकॉइल है काफी ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। अगर शॉर्ट रेंज में है तो भाई फिर मत पूछो यार, काफी जहर वाली हो। अगर बंदा शॉर्ट रेंज में है तो मत पूछो यार, काफी जहर होने वाली है गन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3x इसमें लगाता हूँ क्योंकि एमओ खत्म हो गया है। ओके, आप देख सकते हैं मतलब काफी जहर होने वाली है शॉर्ट रेंज में यह गन। और अगर हम गन की बात करें, अगर मैं नीचे डाल के आपको दिखाऊं गन, तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी गन है यार, मतलब बहुत ही छोटी है। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी गन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि यार यह गन जो है कितनी ताकत है, इसमें क्या है, कैसे क्या नहीं है, कौन सा एमओ लगेगा, कौन सा अटैचमेंट लगेगा, आपने सब कुछ देख लिया होगा। तो इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर देना, जो अगली वाली वीडियो आने वाली है बहुत ही कमाल आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करके रखना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएं। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।